गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहित अरोड़ा और आज अपने बात करेंगे कंपोस्ट की। ठीक है, पहले तो कंपोस्ट क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए उसे बनाने के लिए और क्या क्या विधियाँ हैं उसकी, वन बाय वन अपने सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले अपने बात करते हैं कंपोस्ट होता क्या है, व्हाट इज़ कंपोस्ट। तो कंपोस्ट क्या होता है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय का मतलब जो वायु की उपस्थिति में अपघटन करते हैं, और अवायवीय का मतलब होगा जो वायु की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं। ठीक है, तो वायवीय और अवायवीय जीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों से कार्बनिक पदार्थों के अपघटन करने की क्रिया जिससे एक बारीक खाद बनती है उसको क्या बोलेंगे, कंपोस्ट बोलेंगे। ठीक है, इसको जैव रासायनिक क्रिया बोलते हैं। एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें वायवीय और अवायवीय जीव सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके एक बारीक खाद बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है हमको। एक तो फार्म अवशिष्ट से तैयार, दो तरह की कंपोस्ट होती है, एक तो फार्म अवशिष्ट से तैयार कंपोस्ट और एक शहर और कस्बों के अवशिष्ट से तैयार कंपोस्ट। ठीक है, फार्म अवशिष्ट का मतलब है चारा, भूसा, गोबर वगैरह जो बचा है। शहर और कस्बों के द्वारा जैसे अपने नाली का गारा होता है या मानव मल होता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो वन बाय वन अपने कंपोस्ट बनाने की विधियों को वन बाय वन अपने डिस्कस करेंगे। पहली इंदौर विधि है जो कि फार्म अवशिष्ट और फार्म अवशिष्ट से तैयार होती है। ठीक है, फार्म अवशिष्ट से तैयार होगी इसको बोलेंगे इंदौर विधि। इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था ए होवार्ड और यशवंत डी वार्ड, दो वैज्ञानिक थे। प्लांट न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर इसको तैयार किया था 1924 से 1931 के बीच इसको तैयार किया गया था। ए होवार्ड और यशवंत डी वार्ड दो लोगों ने तैयार किया था। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक टैंक बनाया जाता है किसके, जिसका साइज होता है 10x6x3, मतलब 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट क्या है ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, इसका ये साइज है 10x6x3 रखना है। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे, गड्ढा अपने खोद लिया है, गड्ढा अपने खोद के पहली परत लगाएंगे 3 इंच कचरे की परत लगा देंगे। कौन सी परत लगाएंगे, कचरे की 3 परत। अब कचरा कौन सा, यहाँ पर कचरा वो नहीं है कुछ भी उठा के डाल दो, प्लास्टिक डाल दो, यहाँ पर फार्म अवशिष्ट की बात हो रही है। फार्म अवशिष्ट का मतलब है कि फसल कटाई के बाद जो बचा कुचा मटेरियल है आपका, प्लस पशुओं को चारा वारा खिलाने के बाद जो बच जाता है हल्का फुल्का वो मटेरियल है, तो उस सारे को फार्म अवशिष्ट इसके अंदर कचरा बोला है। कचरा वो नहीं प्लास्टिक वगैरह कहीं, नहीं वो नहीं, वो मत बता। ठीक है, फार्म अवशिष्ट की बात हो रही है। 3 इंच की पहली परत वो डाल दी उन्होंने, डाल दिया 3 इंच की वो डालकर हल्का फुल्का अपने पानी का छिड़काव करें। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, 2 इंच गोबर की परत डालेंगे, डाल दी गोबर की परत डालने के बाद इसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गीला कर लेंगे। ठीक है, ये 5 इंच की परत होगी। फिर इसके बाद यही सेम पैटर्न दोबारा दोहराते रहेंगे, 3 इंच कचरे की परत, 2 इंच गोबर की परत, 3 इंच कचरे की परत, 2 इंच गोबर की परत, 3 इंच कचरे की, इस तरह से तब तक करेंगे जब तक ये गड्ढा क्या है धरातल से ऊपर नहीं चला जाता। ठीक है, धरातल से थोड़ा लगभग 50 सेंटीमीटर या 1 फीट तक ऊपर नहीं चला जाता, 50 सेंटीमीटर तक, तब तक क्या करेंगे अपने इसको भरते रहेंगे। अब 3/4 भरने पे इसको 6 से 7 दिन लगाने हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 6 से 7 दिन के अंदर ये भर जाना चाहिए। 3/4 का मतलब क्या है, तीसरा हिस्सा इसका, तीसरा 3/4 हिस्सा का मतलब है 10 फीट का ये गड्ढा है तो 7.5 फीट तक इसको भरना है, 2.5 फीट खाली छोड़ना है, 2.5 फीट क्या है खाली छोड़ना है, 3/4 मतलब 7.5 फीट इसको भर देना। भर दिया, भरने के बाद इस पर क्या किया आपने, मिट्टी से इसको बिछावन से जिसके अंदर गोमूत्र थोड़ा मिक्स होना चाहिए, ठीक है, पशु का मूत्र थोड़ा मिक्स होना चाहिए, बिछावन से क्या उसको लेप दिया, ढक दिया आपने, ढक दिया। ढकने के बाद क्या है, 6-7 दिन बाद फिर इसको क्या करना है, 15 दिन के बाद। ठीक है, 15 दिन में क्या, जितना आपने भरा है ना ये नीचे बैठ जाएगा, थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा। फिर इस परत को खोलना और इसको आपने खाली जगह छोड़ी हुई है क्योंकि खाद पलटने के लिए आपने खाली जगह छोड़ी है, तो पूरी खाद को आप अच्छे से पलट देंगे, अच्छे से पलट देंगे और एक बार पानी का छिड़काव कर देंगे। ठीक है, पहली बार कब छिड़का है, 15 दिन बाद। ठीक है, 15 दिन बाद आपने पहली बार छिड़का है, 15 दिन बाद इसको पलटा है, 15 दिन बाद इसको पलट दिया और पानी का छिड़काव कर दिया और इसको वापस बंद कर दिया। ठीक है, अगले 15 दिन बाद फिर इसको पलटेंगे, पानी का अच्छे से छिड़काव करेंगे और वापस इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तीसरी बार कब पलटना है, इसके फिर 1 महीने बाद, यानी 30 दिन बाद, 30 दिन बाद या 1 महीने बाद इसको फिर पलटेंगे।
ठीक है। तो पहले पलटा 15 दिन बाद, फिर पलटा 15 दिन बाद, फिर पलटा 30 दिन बाद, तीन बार इसको पलटना है, ठीक है, तीन बार पलटना है। और जब भी पलटना है, पलट कर क्या है, पानी का छिड़काव करना है, पानी का छिड़काव करके उसको बंद कर देंगे। ये काम अपने को करना है हर बार, ठीक है, ठीक है। दो महीने तो यहीं पर ही हो गए, फिर क्या है, ये खाद कितने टाइम में तैयार होती है, तीन महीने के अंदर ये कंपोस्ट तैयार हो जाती है, ठीक है। तीन महीने के अंदर ये कंपोस्ट क्या है, आपकी फुली प्रिपेयर्ड हो जाएगी। इसको बोलते हैं इंदौर मेथड, जिसको इंदौर के अंदर डिस्कवर किया था ए वार्ड डी, ठीक है। पलटने की बात करेंगे तो पलटना मैंने तुम्हें बता दिया अभी, ठीक है, पलटना ये आपने बता दिया कि पहले 15 दिन बाद पलटना है, फिर 15 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद पलटना। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सूक्ष्म जीव अपनी क्या है, रासायनिक क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रियाएं अच्छे से कर पाएं और थोड़ा बहुत गीला करते हैं ताकि उनकी क्रियाशीलता क्या है, बढ़ जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका पलटना भी हो गया। नेक्स्ट अपनी दूसरी विधि आती है बंगलोर विधि, ठीक है। तीन विधियां आपकी, इंदौर विधि, बंगलोर विधि, ट्रेंच विधि, तीन विधियां। दूसरी पहली होगी अपनी इंदौर विधि, दूसरी है इंदौर विधि, बंगलोर विधि सॉरी, बंगलोर विधि के अंदर क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया था, डॉक्टर सी एन आचार्य थे जिन्होंने बंगलोर के अंदर इस विधि को डिस्कवर किया था, ठीक है, ठीक है, यहां इस विधि को इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें इसके अंदर बताई गई इन्होंने, इसके अंदर क्या है, एक गड्ढा खोद लेंगे, इसका कोई फिक्स साइज नहीं है, जो शहर की आबादी उस हिसाब से गड्ढा खोद लेंगे, ठीक है, ट्रेंच खोद लेंगे। ट्रेंच का मतलब होता है खाई या नाली, ठीक है। तो खाई या नाली मीन्स गड्ढा ही हो गया, एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया या बहुत बड़ा नाला बना लो, ठीक है, वो खोद लिया आपने, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 8 इंच फसल अवशेष की परत बिछा देनी है, 8 इंच फसल अवशेष की परत बिछा देनी है। जब 8 इंच फसल अवशेष की परत बिछ जाए, फिर उसके ऊपर 2 इंच गोबर, गोबर नहीं यहां मानव मल आएगा, वैसे मानव मल, ठीक है, मानव मल की जनरली बिछाते हैं इस पर परत, ठीक है, मानव मल की इस पर परत बिछा दी। अब क्या होगा, इसको पलटना नहीं होता, इसको क्या है, पलटना नहीं है, 2 इंच आपने मानव मल की परत लगा दी, ठीक है। इसी तरह फिर इसको भरते रहेंगे 8 इंच फसल अवशेष की परत, 2 इंच मानव मल, 8 इंच फसल अवशेष, 2 इंच मानव मल, इस तरह के भरते लगाएंगे। जब ये भूमि से आधा से 1 फिट ऊपर आ जाए, 50 सेंटीमीटर या 1 फुट तक ऊपर आ जाए, 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी लगाकर इसको पलट देना, 2.5 सेंटीमीटर की 2.5 सेंटीमीटर तक मिट्टी डालकर इसको पलट देना, इसको पैक कर देना, सॉरी इसको बंद कर देना 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी निकालकर, ठीक है। और आपकी 5-6 महीने बाद ये तैयार हो जाएगी, 4 से 5 महीनों में ये आपकी क्या है, प्रिपेयर्ड हो जाएगी, बंगलोर विधि से खाद आपकी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, बेंगलोर विधि है, ठीक है, फसल अवशेष और मानव मल से इसको बनाया जाएगा। इसकी विशेषता ये है कि इसको पलटा नहीं जाता है, इसको पलटा नहीं जाएगा, ये प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। और इंदौर विधि मैंने आपको बता ही दिया, देखो सबसे इंपॉर्टेंट विधि जो मैं बता रहा हूँ वो है इंदौर विधि, और तीसरी जो विधि है ट्रेंच विधि। स्टूडेंट ये तुम्हारे केमिस्ट्री के अंदर भी है, ठीक है, तुम्हारा जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पार्ट है ना, उसके अंदर भी ये ट्रेंच विधि आएगी, ठीक है। तो पहली बंगलोर इंदौर विधि होगी, दूसरी बंगलोर विधि, और तीसरी कौन सी होगी, ट्रेंच विधि, ठीक है। दो को विधियों को अपने आज डिस्कस कर चुके हैं इसी के अंदर, वीडियो के अंदर, ठीक है। अब अपने तीसरी जो विधि है वो ट्रेंच विधि है, तो स्टूडेंट ट्रेंच विधि जो है आपका वो थोड़ी सी लंबी विधि है, वो अपने कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंदौर विधि कंपोस्ट क्या होता है, इंदौर विधि, बंगलोर विधि वो आज अपने डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो अपने ट्रेंच मेथड है वो आपको चित्र बनाकर, एक्चुअल में उसका टैंक बनाया जाता है, तो उसका मैं प्रॉपरली चित्र वगैरह बनाकर आपको बता दूंगा या चित्र मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, जैसा भी होगा तो आपको कल उसके बारे में बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जनरली मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट विधि है वो है आपकी इंदौर विधि सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आ जाता है ट्रेंच विधि, ठीक है। इंदौर विधि को आप अच्छे से करना, और अगर ये दो विधियों में से, इन जो आज दो विधियां कराई, इन दोनों विधियों में से कोई भी विधि अगर आपको समझ नहीं आई है या उसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो या वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा।
ठीक है। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।